मेरे से नाराज हैं वो भी मेरे अपने हैं, जो मुझे अनफॉलो करते हैं वो भी मेरे अपने हैं। कम से नमस्कार प्रणाम और थैंक यू आप सबके लिए कि और नए साल की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ आती रहे। 2020 तो सबके लिए माइनस था, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि 2021 आप सबके जीवन में एक नया खुशी लेकर आए और हमें भी खुश करें, क्योंकि आपने मुझे खुश किया है। क्या बोलूँ आप सबको कि आपने कितना प्यार देकर, और मेरा आज 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरा फॉलोअर है जो मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू कि आप मुझे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देते हैं। और नए साल के गानों में आपने इतना प्यार और मोहब्बत दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको, कि आपके प्यार के बिना मैं हमेशा अधूरा रहता हूँ। और कोशिश रहती है कि आपके प्यार के लिए जो अच्छा चीज़ हो उसको मैं करूँ, और इसी शुभकामना के साथ फिर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको कि आप ऐसे ही खुश रहें, ताकि आपकी खुशी में ही हमारी जीवन है। आप खुश जब रहते हैं तो हमें कुछ करने में मज़ा आता है, कि क्योंकि आप हमारे लिए ईश्वर हैं और ईश्वर की खुशी में ही प्रजा की खुशी होती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहें, आनंद रहें। मेरी दुआ है, मैं दुआ करूँगा ईश्वर से कि आपको ऐसे ही माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान शंकर ऐसे ही आपको बनाए रखे। ईश्वर अल्लाह सब लोग आपके साथ हैं, आपको ऐसे ही तरक्की मिले, मेरी दुआ है आप सबके साथ। तो दिल से लव यू ऑल जो मुझे फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो भी प्लीज़ आप मुझे फॉलो करिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम सारी भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरी है। लव यू। और आपका बेटा खेसारी, आपका भाई खेसारी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती हो तो प्लीज़ आप सब अपना बेटा और अपना भाई समझ के माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, कभी ना कभी गलत बोल ही जाता हूँ, कभी गलत कर ही देता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि आप सबके खुशी के लिए हर वो चीज़ करूँ, बट मैं सबको एक साथ खुश नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे से नाराज़ हैं वो भी मेरे अपने हैं, जो मुझे अनफॉलो करते हैं वो भी मेरे अपने हैं। कम से कम उतना वक्त तो निकालते हैं मुझे अनफॉलो करने के लिए, तो मेरे लिए सम्मानित है, क्योंकि उनका प्यार ही मेरे लिए, चाहे वो नफरत हो या प्यार, कम से कम उस चीज़ों से याद तो करते हैं मुझे, तो वो मेरे लिए सकरिये हैं, वो मेरे अपने हैं। आज नहीं तो कल वो मेरे अपने होंगे, इसीलिए हर आदमी का स्वागत करिए। कल आज ही आज आपके रास्ते में अगर पत्थर कोई रखता है तो कल फूल भी वही बिछाएगा। तो कोशिश इंसान को करना चाहिए हर आदमी को अपना बनाने की, ये पूरी दुनिया आपकी अपनी है। तो दिल से लव यू, थैंक यू ऑल। अभी 2 मिलियन कब तक होना चाहिए, भी बोल दीजिए फॉलोअर्स। अरे पगले, ये लोग चाह दे तो 2 मिलियन 2 दिन में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इनके मिलियन से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इनके प्यार से मुझे फर्क पड़ता है, कि मुझसे प्यार करते हैं तो मैं आनंदित होता हूँ। ये इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कोई भी दुनिया का वेबसाइट हो, वो बड़ा नहीं होता, बड़ा आप सब होते हैं, कि आप इतना प्यार देते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, अपना वक्त निकाल कर मेरे लिए कुछ करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जितने मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, मैं सबको दिल से दुआ देता हूँ और नए साल की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। और जल्दी से इसको 2 मिलियन करिए, ताकि फिर से लाइव आकर आपका प्यार लो और आपका आशीर्वाद। लव यू। फर्स्ट भोजपुरी मेल एक्टर, हाँ, जिनका 1 मिलियन मेल एक्टर फॉलोअर्स जिनका आपका हुआ है, तो इस पे दर्शक लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। अब बोले हैं 2 दिन में हो जाना चाहिए, हमको लगता है 2 दिन में उसका 5 गुना होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या होता है, वो तो उनके हाथ में है, वो भगवान है, वो आशीर्वाद कब मुझे देते हैं तो उनके ऊपर निर्भर करता है। बट मेरी कोशिश रहती है कि इनके दिल की खुशी की हर वो चीज़ें करूँ मैं। और भोजपुरी में मेल एक्टर को मैंने पहली बार 1 मिलियन हुआ है, तो सबका होना चाहिए, मेरा ही नहीं, जितने भी मेल हैं, जितने भी फीमेल हैं, ईश्वर सबको आगे बढ़ाए। मेरी दुआएं हैं सबके साथ, सारे लोग मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और छोटा तो मेरे से कोई नहीं है, सब लोग बड़े भाई की तरह हैं। तो ईश्वर सबको बढ़ाएं, ये ईश्वर हैं और ये सबको बढ़ाएं। मेरी दुआ है कि आप सबको प्यार बराबर दीजिए, सब लोग आपके भाई हैं, आपके भतीजा हैं, आपके बेटा हैं।